टीवीएस का रोनन लॉन्च हो गया है, रॉयल एनफील्ड का हंटर लॉन्च हो गया है, ऑलरेडी क्लासिक सेल पे था और मीटियोर भी सेल पे था, तो इतने सारे बाइक्स है। CB350 के आपको इस टाइम लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, तो आपका जो ऑप्शंस है वो बढ़ चुका है। तो आपको मैं आज ना एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, वो ये है कि CB350 10,000 किलोमीटर तक मैंने क्या इश्यूज़ फेस किया है और 10,000 किलोमीटर के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है बाइक के साथ, वो सब चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा अगर आप CB350 खरीदने का सोच रहे हो या आप खरीद चुके हो और आप आगे क्या फेस कर सकते हो और आपको इस चीज़ से कैसा बचना है। मैं यहाँ पे बुराई करूँगा, अच्छी चीज़ों के बारे में भी बात करूँगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि बाइक कैसा रहेगा आपके लिए। पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला चीज़ जो मुझे इस बाइक में जो पसंद है, जो क्लच रिलीज एक्शन है बहुत स्मूथ है, मतलब जब आप क्लच को रिलीज करते हो तो आपको यूजुअली जर्क लगता है। क्लासिक में भी ये प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लासिक में पावर भी तो नहीं है। यहाँ पे आपको पावर मिलने के बाद आपको स्मूथ क्लच रिलीज एक्शन देखने को मिलता है, ये बहुत कम बाइक्स में मैंने देखा है और CB350 में है। मतलब जब आप गियर शिफ्ट करते हो, फर्स्ट गियर से जाके सेकंड गियर पे शिफ्ट करते हो और क्लच को रिलीज करते हो, तो एक आपको स्मूथ ट्रांजिशन देखने को मिलता है, मतलब आपको जर्क नहीं लगता है, झटका नहीं लगता है, काफ़ी स्मूथ है। और ये इतना पावर प्रोड्यूस करने के बाद इतना स्मूथ रहना इज इंजीनियरिंग, तो दिस इज़ अ वेरी वेल इंजीनियर्ड बाइक और यहाँ पर आपको क्लियरली पता चलता है। सेकेंड चीज़ जो मुझे इस बाइक में पसंद है वो ये है कि इसके जो हेडलाइट्स है ना वो बढ़िया है। इसके पहले वाले वीडियो में जहाँ पर मैंने CB350 की अच्छी चीज़ों के बारे में बात किया था, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि हेडलाइट्स में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लोग मुझे कंटिन्यूसली बता रहे थे कि हेडलाइट बेकार है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। जो LED हेडलाइट्स है वो अच्छा फोकस आपको देता है। आप हाईवे में चलाओगे तो कोई भी हेडलाइट काम नहीं करेगा, आपको ऑक्सिलरी लाइट लगाना पड़ेगा, बट सिटी कंडीशंस के लिए इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट लाइट मुझे CB350 का ही लगता है। नेक्स्ट चीज़ जो अगेन मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा पसंद है वो है इसके डिज़ाइन। जो कलर ऑप्शंस आपको होंडा देता है और जो डिज़ाइन है ना, एक ऐसा नहीं बोलूँगा कि रेट्रो लुकिंग है या मॉडर्न है, दोनों के बीच में एक प्रॉपर वाला बैलेंस क्रिएट किया है होंडा वालों ने। अब आप देखो जो क्लासिक 350 है वो प्रॉपर वाला टाइमलेस और रेट्रो डिज़ाइन के साथ आता है, मतलब जो पुराने बाइक्स आते थे ना उसके सारे एलिमेंट्स आपको उसमें देखने को मिलता है, मतलब कोई LED लाइट नहीं है और उस रीज़न से ना वो डिज़ाइन मेंटेन करता है और उस डिज़ाइन के लिए लोग पसंद करते हैं कि कोई भी मॉडर्न टच नहीं है उसमें, पुराने स्टाइल के बाइक है और लोग इसीलिए उसको पसंद करते हैं। बट जब मैंने को पता चला कि CB350 में LED हेडलाइट्स आएगा और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आएगा, तो मेरे को लगा कि जो डिज़ाइन है वो क्लासिक जैसा नहीं रहने वाला, टाइमलेस डिज़ाइन नहीं रहेगा, बट होंडा वालों ने ऐसा कुछ मैजिक किया इसमें क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है ना आपको एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करता है। मॉडर्न LED हेडलाइट्स, ये सब मॉडर्न फीचर्स भी आपको मिलता है और उसके ऊपर दिखने में भी बहुत बढ़िया है, तो होंडा ने जो डिज़ाइन इसका किया है ना वो इस कमेंडेबल। आई थिंक रॉयल एनफील्ड को भी देख के थोड़ा समझना चाहिए कि पुराने डिज़ाइन को रख के भी आप अच्छे नए फीचर्स दे सकते हो आपके बाइक पर। इसका जो साउंड है ना ये इतना अच्छा है, आपको वो इरिटेटिंग नहीं लगेगा बट बहुत लाउड है। आप देखते हो बुलेट में या क्लासिक में लोग आफ्टर मार्केट साइलेंसर लगाते हैं और वो जो साउंड है ना वो आपको ठीक लगेगा बट बाकी जो लोग हैं उनको इरिटेटिंग लगेगा, बट लोग इजीलिए लगाते हैं क्योंकि उसका साउंड बहुत ज़्यादा रहता है, लाउड रहता है। बट जो CB350 के जो एग्जॉस्ट से जो साउंड निकलता है ना वो इतना अच्छा है, स्मूथ है, रिफाइंड है और बहुत लाउड भी है। जब आप इस बाइक को चलाओगे और हायर गियर में इसको आप एक्सेलरेट करोगे तो जो साउंड ये प्रोड्यूस करता है ना ये बहुत बढ़िया है और इस सेगमेंट में मुझे लगता है कि इससे अच्छा साउंड कोई भी बाइक में स्टॉक एग्जॉस्ट में नहीं आता है। जो पिलियन का सीट है, मैं बहुत टाइम से चला रहा हूँ और पिलियन ने मुझे, जब भी कोई भी पिलियन बैठता है पीछे वो हमेशा बोलते हैं कि इसका सीट कितना कम्फर्टेबल है, मतलब बड़ा है, स्पेशियस है और जो पीछे बैठते हैं उनको चढ़ने में या उतरने में किसी तरह का तकलीफ नहीं होता है। और ये चीज़ ना बहुत अच्छा है, जो एल्डरली लोग हैं या आपके मॉम या डैड जो बैठना चाहते हैं जिनको कंफर्ट ज़रूरी है, आप पहले स्पोर्ट्स बाइक ओन करते थे और वो परेशान हो गए थे इस उसके सीट को देखकर और उस पर बैठकर, आप ये बाइक खरीदने के बाद वो बोलेंगे कि कम से कम
अब तो तूने भाई कोई अच्छा बाइक लिया, क्योंकि इसके जो पीछे सीट्स है कंफर्टेबल है, एंड इस सेगमेंट में आई थिंक अगेन सबसे बेस्ट सीट ऑफर करता है, क्लासिक से बेटर है। क्लासिक के सीट्स छोटे हैं और इसके सीट्स थोड़े से बड़े हैं, और आप सीट मैन्युफैक्चरिंग या आप कहीं पे सीट का डिज़ाइन करते हैं ना, उनके पास जाके इसका सीट को और बड़ा कर सकते हो और कंफर्टेबल बना सकते हो, डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। क्लासिक में जाके आप पीछे का जो सीट है उसको बड़ा करोगे ना तो वो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे ना आपको राइडर को और पिलियन को दोनों को कंफर्ट मिलने वाला है इसके सीट्स के साथ। जो स्विच गियर्स है ना इसके, जो मतलब स्विचेस है, आप डिलक्स प्रो मॉडल लोगे तो आपको उसमें मोबाइल को कंट्रोल करने के स्विचेस मिलेंगे, उसके स्विचेस के क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, ए ग्रेड स्विचेस है। और जो इंजन को ऑन करने वाला स्विच और इंडिकेटर्स का स्विच, हॉर्न का स्विच, ये इतना हाई क्वालिटी और प्रीमियम लगता है कि आप इसको यूज़ करके रॉयल इनफील्ड के बाइक को यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। और ये आपको बताता है कि होंडा ने जो क्वालिटी इसमें आपको दिया है वो एक नंबर है। तो कहीं पे भी आप यूज़ करो, हैंडल बार का क्वालिटी देखो, फिनिशिंग देखो स्विच गियर का, इस सेगमेंट में मुझे आप बताओ कोई भी बाइक इस तरह का स्विच गियर का क्वालिटी अगर ऑफर कर रहा है, क्योंकि मैं तो नहीं जानता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसके इंजन के साथ, वो मैं जब प्रॉब्लम्स की बात करूँगा तब मैं बताऊँगा। बट आपको जैसे पता है गियरिंग के रिलेटेड कुछ इश्यूज आए और कंप्लेंट्स आए, इस गियरिंग का जो रेशियो है और जो डिज़ाइन किया है होंडा वालों ने, इससे क्या होता है ना, माइलेज बहुत अच्छा मिलता है आपको। इस बाइक में आप आराम से चलाओ, और सबसे बेस्ट चीज़ तो इसमें इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, इसमें आपको इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी दिखाता है, मतलब कंटिन्यूस आप जब चलाते रहोगे आपको बताते रहेगा ये कि कितना माइलेज आपको बाइक ऑफर कर सकता है अगर आप इसी तरह से चलाते रहोगे तो। ये इतना बढ़िया फीचर है इस टाइम पे जिनके लिए माइलेज मैटर करता है। आप सोच के देखो, जो CB350 खरीदते हैं वो यंगस्टर्स भी हो सकते हैं, या मिडिल एज भी हो सकते हैं, या ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो ऑलरेडी बाइक चला चुके हैं, उनके बाइकिंग करना पसंद है बट अभी वो कोई क्रूज़र कंफर्टेबल बाइक लेना चाहते हैं, ऐसे लोग खरीदते हैं। तो उनके लिए क्या रहता है ना, उनको माइलेज बहुत ज़रूरी होता है, उनको कंफर्टेबल बाइक चाहिए जो वो कम्यूट करे सिटी में, और उनको माइलेज भी बढ़िया होना चाहिए। और उनके लिए ना ये चाहिए फीचर इतना उनको पसंद आएगा कि उनको कंटिन्यूस उनका जो माइलेज है वो मीटर में बताते रहते हैं, इसको इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी बोलते हैं। और इस सेगमेंट में ये एक ही बाइक है जो ये फीचर ऑफर करता है, और ये बहुत बहुत अच्छा फीचर है। होंडा ने इसका जो प्राइसिंग है वो थोड़ा आपको ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, बट उसके साथ आपको ज़्यादा फीचर्स और क्वालिटी भी दे रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप कंटिन्यूस जो फीचर्स है इसमें भर भर के इन्होंने फीचर्स दिए हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी और आपके यूजेबिलिटी के लिए। बट इसका जो माइलेज है ना वो इतना बढ़िया है कि अगर आप इसको ठीक से चलाओगे, इसके गियरिंग को अच्छे से समझोगे, तो कम से कम आप 40 के ऊपर आपको आराम से इसका माइलेज मिल जाएगा, और हाईवे में अगर आप बहुत अच्छे से चलाओगे तो आपको 50 तक माइलेज मिल सकता है, 50 के अंदर आपको मिल जाएगा 45 के ऊपर, और सिटी में अगर आप चलाओगे अच्छे से आपको 35-36 से कम कभी भी नहीं देगा माइलेज, उसके ऊपर ही ऑफर करेगा। और इसका जो पावर है उसके हिसाब से जो माइलेज ये ऑफर कर रहा है इज अनबिलीवेबल, एंड ये चीज़ आपको बहुत नोटिस करोगे आप जब ये बाइक खरीदोगे और चलाते रहोगे। मैं बहुत सारे बाइक चला चुका हूँ, और जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मुझे क्रूज़र बाइक से ज़्यादा स्पोर्ट्स बाइक बहुत पसंद है। तो स्पोर्ट्स बाइक में मैं एक चीज़ बहुत पसंद करता हूँ, वो है उसके हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे R15 ले लो, एग्रेसिव बाइक है और मेरे को ऐसा हैंडलिंग बहुत पसंद है, मतलब जो जिस तरह से आपके हैंडलिंग मूवमेंट को रेस्पॉन्ड करता है बाइक, उसका जो चैसी हो कैसे परफॉर्म करता है हाई स्पीड हैंडलिंग में, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर होता है। और जब क्रूज़र बाइक में मैं बैठता हूँ ये चीज़ मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि क्रूज़र बाइक उसके लिए नहीं बना है। बट ये CB350 है उसमें मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है, इसका जो हैंडलिंग है ना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्पोर्टी है बट ये बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। मतलब आप इसको चलाओगे ना आपको कम से कम मतलब मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कोई आप नॉर्मल बाइक चला रहे हो। तो जो बाइकिंग करना चाहते हैं, जिनका पहला बाइक है, उनको ना बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़, क्योंकि आपको वेट फील होता ही नहीं है। आप लो स्पीड या ट्रैफिक में भी चलाओ आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक हैवी बाइक चला रहे हो, बाइक भारी है, सॉलिड लगता है,
दिखने में जो रोड प्रेजेंस है वो बढ़िया है, और बट जब आप इसको चलाओगे ना आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई नॉर्मल लाइट वेट बाइक चला रहे हो। हैंडलिंग बहुत बढ़िया है और इसका लर्निंग कर्व ज़्यादा नहीं है। तो इसका जो वेट बैलेंस है, जिस तरह से होंडा वालों ने इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो आप बॉडी में, वो इतना अच्छा है कि आप सिटी में जब चलाओगे आपको किसी तरह का तकलीफ नहीं होगा, आप आराम से चला सकते हो। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, इसका हैंडलिंग जो है वो स्पोर्टी नहीं है बट बहुत प्रिडिक्टेबल है, और क्लासिक 350 के कंपेरिजन में ये बहुत अच्छा है। ठीक है, हैंडलिंग सुपर। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे इस बाइक में पसंद है वो है इसका फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक बड़ा है, आप टूरिंग करना चाहते हो तो आपको बार बार स्टॉप्स लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइलेज भी अच्छा है और फ्यूल टैंक भी बड़ा है। एंड ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है एक क्रूज़र बाइक में, और होंडा इस बात को जानता है, इसीलिए उन्होंने बड़ा फ्यूल टैंक दिया है और गियरिंग उस तरह से बनाया ताकि आपको अच्छा माइलेज मिले बाइक्स। स्लिपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्यूअल चैनल ABS, और उसके बाद और क्या चाहिए, मतलब आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस प्राइस में। स्पेशली ट्रैक्शन कंट्रोल जो मेरे को बोल रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है, आप एक काम कीजिए, जो बता रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है या जो रिव्यूअर्स बोलते हैं, मैं बहुत बार उनको सुन चुका हूँ बोलते हुए कि ट्रैक्शन कंट्रोल का ज़रूरत नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप है ना एकदम से ना जहाँ मिट्टी है या बाकी मतलब बहुत वेट सरफेस है वहाँ पे एक्सेलरेट करो, क्योंकि इसमें 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, आप देखो किस तरह से स्लिपेज को बचाता है। तो ये बोलना बहुत गलत है, कोई भी सेफ्टी फीचर आपके बाइक में रहना आपके लिए बहुत अच्छा है और ज़रूरी भी है। ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत काम का चीज़ है और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ होगा। एंड इसके अलावा स्लिपर क्लच की बात करें तो यहाँ पर भी जब आप डाउन शिफ्ट करोगे एग्रेसिवली, फिफ्थ गियर से थर्ड गियर पे शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपके सामने स्पीड ब्रेकर है, तो वहाँ पे अगेन व्हील लॉक नहीं होता है। इसमें सारे सेफ्टी फीचर्स दिया है, मे बी टायर उतना ग्रिप ऑफर नहीं करता बट जो सेफ्टी फीचर्स है वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे एक बात बताओ आप, जो फैंसी फीचर्स है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिज़ाइन ये सब छोड़ दो, सेफ्टी फीचर्स कौन ऑफर करता है इतने सारे होंडा के अलावा। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना पड़ेगा क्योंकि सेफ्टी से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं। इसका जो लो एंड परफॉर्मेंस है वो बढ़िया है, 3000 RPM के भी अराउंड आपको 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो जो सिटी में चलाने में जो मज़ा आता है ये बाइक में, आपको कोई भी बाइक वैसा परफॉर्मेंस ऑफर नहीं करेगा। अगर आप RX 100 चलाते थे बहुत टाइम पहले और आपको 2-स्ट्रोक बाइक्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, और 4-स्ट्रोक बाइक्स में आपको वो 2-स्ट्रोक वाला मज़ा जो आता था वो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको CB350 वो याद दिलाएगा। आप चलाओगे तो आपको ना वो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, जो एक्सेलरेशन है, जो पुश है ना, वो आप फील करोगे। आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्विंग बना देता है बाइक, आपको गियर शिफ्ट करने बोलेगा, आपको मतलब आराम करने नहीं देगा, आपको बोलते रहेगा गियर शिफ्ट करो, मुझे एक्सेलरेट करो, वैसा कम्युनिकेट करता रहेगा बाइक। और ये उनके लिए नहीं है जो आराम से चलाना चाहते हैं, बट जो बाइकिंग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा CB350 को लेकर। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताया है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो 10,000 किलोमीटर में मैंने ये पॉइंट्स नोट किया और यहाँ पर नोट करके आपको बताया। अब मैं बुराई करने वाला हूँ, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि सारे बाइक्स में इश्यूज़ होते हैं। अब ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, क्योंकि CB350 के ऊपर बहुत कम वीडियोस बनाया था मैं। इसके पहले प्रोज एंड कॉन्स वीडियो जब मैंने बनाया था तब मैं बहुत टाइम के लिए बाइक को नहीं चलाया था, तो ऐसे पॉइंट्स थे जिसको ऐड करना था इस टाइम पे, तो इसीलिए वीडियो बनाना पड़ा। और सेकेंड रीज़न है कि जो CB350 खरीदना चाहते हैं या रोनिन के साथ कंफ्यूज्ड है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, कोई भी डाउट CB350 को लेकर मैं उसको अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं क्वेश्चंस लूंगा जो कमेंट्स में मुझे पसंद आएंगे और उसको मैं फीचर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में और आंसर भी करूंगा। चलो बुराई की तरफ बढ़ते हैं। बुरे चीज़ों के बारे में बात करने के पहले दो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने मिस किया, तो वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। एक तो इसका फिट फिनिश बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट सारे एरियाज़ में, ऐसे एक दो एरियाज़ है जहाँ पे अच्छा नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द एरियाज़ इसके मतलब फिट फिनिश एंड क्वालिटी बढ़िया है। कलर ऑप्शन जो मिलते हैं आपको हाइनेस में, सिंगल टोन ले लो या ड्यूअल टोन ले लो या एनिवर्सरी एडिशन ले लो, सारे कलर्स अच्छे हैं,
बाइक को बहुत ज़्यादा सूट करता है और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बट और कलर ऑप्शंस अगर ऑफर करते तो अच्छा रहता। इसका जो रिलायबिलिटी है वो इतना बढ़िया है क्योंकि पहले दिन जो आप बाइक खरीदते हो और 10,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर में जब आप बाइक को सर्विस करके घर लेके आते हो, उस दिन में और पहले दिन जो आप बाइक शोरूम से लेके आए उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपको इंजन में। उसी तरह का परफॉर्मेंस और स्मूथनेस आपको ऑफर करेगा। ये रॉयल इनफील्ड के बाइक्स के साथ मैं नहीं बता सकता हूँ, चलो वो तो मैं खैर एक वीडियो में कवर करूँगा। क्लासिक के बारे में बताऊँगा कि लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू कैसा रहा है, मेरे एक्सपीरियंस कैसा रहा है। बट होंडा CB350 को लेकर मैं आपको एक बात बता दूं कि 10,000 20,000 किलोमीटर के बाद आपको सेम स्मूथनेस ऑफर करेगा और कहीं भी वाइब्रेशंस या मतलब इंजन टैपेट नॉइज ये सब नहीं आएगा। तो इस मामले में आई रियली लव दिस बाइक। चलो अब प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे क्योंकि सबको प्रॉब्लम्स जानने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। अब एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया है और जब भी मैं कोई भी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, कोई भी ओनर के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बता दीजिए क्योंकि मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं मेरे बाइक में नहीं, बहुत सारे ऐसे ओनर से उनसे भी बात किया था, वो सारे पॉइंट्स अगर उनके साथ भी हो रहा है तो तब मैंने यहाँ पे नोट किया और वही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। फ्रंट एंड में जो मडगार्ड है ना, वहाँ पे एक अजीब किस्म का साउंड आता है जब आप स्पीड ब्रेकर पे जाते हो या रोड मतलब पॉट होल्स में चलाते हो। अब ये साउंड कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है ये मैं नहीं जानता हूँ। मुझे तो लग रहा था कि मडगार्ड में आ रहा है। मैं डीलर से बात किया, वहाँ पे सर्विस सेंटर वालों से बात किया, ओनर से बात किया, एक ग्रुप से बात किया, उन लोगों के साथ भी ये सेम प्रॉब्लम हो रहा है और वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। मैं दो बार उनको बता चुका हूँ, वो इस इशू को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। और ये फ्रंट एंड में एक थोड़ा सा साउंड आता है। अगेन मुझे आई हैव नो आइडिया, अगर किसी को पता है उन्होंने रिजॉल्व किया इस इशू को तो आप प्लीज़ बता दीजिए कि आपने कैसे किया और ये क्यों आ रहा। अब मैंने आपको बताया था ना कि थोड़े टाइम पहले कि इसका जो इंजन है ये आपको कभी भी आराम से चलाने नहीं देगा, मतलब रिलैक्स करने नहीं देगा। जैसे रॉयल इनफील्ड के बाइक्स होते हैं, आप ना कभी कभी आराम से चला सकते हो, एक गियर में लगा के रिलैक्स कर सकते हो। CB350 में यह पॉसिबल नहीं है। इंजन स्मूथ है, ठीक है, और ये स्मूथ इंजन में आपको रिलैक्स कभी भी फील नहीं होगा। आपको बाइक हमेशा बोलते रहेगा कि गियर चेंज करो, एक्सेलरेट दो। आपको ऐसा कभी भी कॉन्स्टेंट, मेरे को है ना एक फियर आता रहता है कि इंजन बंद हो जाएगा या बाइक बंद हो जाएगा। इंजन नॉक होता है, इंजन नॉक होना एक बहुत इरिटेटिंग और बहुत अजीब किस्म का एक्सपीरियंस है कोई भी बाइकर के लिए। और जितना नॉक मैंने CB350 में देखा है वो मैंने बहुत कम में बाइक्स पे देखा है। और ये चीज़ ना मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता है क्योंकि कोई भी जब लॉन्ग स्ट्रोक बाइक खरीदता है वो चाहता है कि रिलैक्स रहे और पुलिंग पावर अच्छा होना चाहिए जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स का कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे वो चीज़ मुझे देखने को नहीं मिला। मुझे कभी कभी मज़ा आता है चलाने में और कभी कभी मैं इतना इरिटेट हो जाता हूँ। कभी भी मुझे ना मेरे दिमाग में रहता है कि गियर चेंज करना है। इंजन के बारे में सोचता रहता हूँ मैं जब चलाता हूँ क्योंकि इसका इंजन वैसा है, इसका गियरिंग वैसा है, लॉन्ग गियर्ड है। तो कभी भी मुझे रिलैक्स नहीं लगता है। कभी भी बाइक आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते रहता है, नॉक होते रहता है, और अगर आप सही गियर पर नहीं रहते तो आपको बाइक पनिश करेगा, पूरा बाइक शेक होगा, इंजन नॉक होगा। तो ये फीलिंग है ना, ये अच्छा फीलिंग नहीं है। और अगर आपको बाइकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और ऐसा बाइक आप चाहते हो जो आपको कॉन्स्टेंटली वो मतलब कम्युनिकेट करता रहेगा आपके साथ, तो आपको ये बहुत मज़ा आएगा। बट जो लोग रिलैक्स करके चलाना चाहते हैं, उनको रॉयल एनफील्ड के बाइक्स पसंद है, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। सीट्स के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सीट्स का कैसा रहता है सिस्टम, अगर ज़्यादा सॉफ्ट रहता है ना तो आपको बैक पेन और बट पेन हो सकता है सिटी में। और अगर वो आप हाईवे में जब लेके जाते हो सॉफ्ट सीट्स में क्या होता है, और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। तो सॉफ्ट सीट अच्छा नहीं है। मैं देखता हूँ लोग है ना सीट में फोम लगा के उसको सॉफ्ट कर देते हैं, ये आप आपके सीट को ख़राब कर रहे हो, वैसे मत करो। जब सीट बहुत ज़्यादा फर्म रहता है आपको सिटी में बहुत पेन होने लगता है, बट पेन आपको ऐसा लगता है कि आप कोई मेटल बकेट में बैठे हो या प्लास्टिक सीट में बैठे हो। तो ज़्यादा फर्म नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी होना नहीं चाहिए, एक बैलेंस होता है, वो बैलेंस होना चाहिए। तो इस बाइक में मेरे को लगा कि थोड़ा ज़्यादा फर्म है। फर्मनेस अगर थोड़ा कम होता तो आई थिंक द सीट वुड हैव बीन परफेक्ट क्योंकि डिज़ाइन बढ़िया है। आप हाईवे में जब चलाते हो ना आपको ये फील होगा, आपको थोड़ा सा बट पेन होगा,
तो आप कोई एयर सीट ले सकते हो, मैं भी एयर सीट यूज़ करता हूँ। आपको ना डिस्क्रिप्शन में एयर सीट का लिंक मिल जाएगा, वो अगर आप CV350 ओन करते हो तो जाके ख़रीद लीजिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके बाइक के लिए। और आप मुझे आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए सीट को लेकर। मैंने 2-3 बार ABS के रिलेटेड इश्यूज़ देखे हैं बाइक में, मेरे बाइक के साथ और हमारे जो ग्रुप है उनमें भी मैंने ये नोटिस किया है कि कभी कभी ABS जल्दी किक इन करता है। एंड इससे ना जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो बाइक को हैंडल नहीं कर पाएंगे। एंड आई डोंट नो कि ये सिलेक्टेड बाइक्स के साथ ये इश्यूज चल रहे हैं या सारे बाइक्स के साथ है, बट मुझे ऐसा लगा कि ABS कभी कभी जल्दी किक इन करता है। ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स मुझे लगा कि थोड़ा बेटर बाइट ऑफर कर सकता था। रॉयल इनफील्ड के क्लासिक से बेटर ब्रेक्स है दोनों पीछे और आगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्रंट हैंड है वो बहुत बढ़िया है, बट ब्रेक्स जो है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग रह चुका है बिग विंग के साथ। बिग विंग देखो, बैंगलोर की बात कर रहा हूँ मैं, बैंगलोर में बहुत कम बिग विंग है, सब जगह पे कम ही है। तो क्या होता है ना, बिग विंग कम है, बाइक्स बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, तो सारे बाइकर जो हैं जो सर्विस करने जाएंगे वो सैटरडे संडे अपना बाइक्स देने आते हैं, तो दूर दूर से आते हैं और इतने सारे CV350 रहते हैं वहाँ पे कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, तो ये सर्विस एक्सपीरियंस को बिगाड़ देता है। उसके अलावा जो सर्विस सेंटर पर्सनल है वो मुझे कभी एक बार मेरे को ठीक लगा और दूसरी बार अच्छा नहीं लगा था। एक तो बाइक उन्होंने ठीक से क्लीन नहीं किया था और उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था। उन्होंने क्या किया था ना, उन्होंने कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम कर दिया था, और ये मेरे बाइक के साथ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट जितने भी बाइक्स थे उसके साथ ये हो गया था कि जो पीछे का जो रेयर टेल लैम्प है ना वो कंटिन्यूस ऑन ही था। तो उसको मैंने, जब भी मैं किसी को रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ कि गलती किसी से भी होता है, तो यूजुअली मैं उनसे जाके रिक्वेस्ट करता हूँ और उनको पूछता हूँ कि ऐसा कुछ हो गया, और दिखाने के बाद भी वो मेरे से पूछ रहे थे कि नहीं ये सही है, ऐसे ही रहना चाहिए। सो ये एक्सपीरियंस मेरे साथ जब हुआ मेरे को अच्छा नहीं लगा, और सेकेंड टाइम जब मैं गया था तो ठीक था, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आउटस्टैंडिंग था, ठीक था। सर्विस सेंटर में जो लोग हैं वो नॉलेजेबल है, मतलब जो वहाँ पे काम करते हैं उनको पता है बाइक के बारे में, वो और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे, कोई किसी तरह का डाउट्स रहता है तो वो आपको वाकई बता देंगे। बट एक्सपीरियंस कभी कभी ख़राब हो जाता है, और प्रॉब्लम ये है कि एक जगह पे एक्सपीरियंस ख़राब होता है तो मैं कहीं और नहीं जा सकता हूँ क्योंकि एक ही सर्विस सेंटर है मेरे घर के पास, तो इसको लेके आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बट मैं देखा हूँ जावा ESD में जो मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं वैसा मतलब बिल्कुल नहीं आएगा। होंडा रिलायबल है सर्विस, और उनके प्रोडक्ट्स भी रिलायबल है, तो ऐसा मेजर इशू नहीं आएगा। सर्विस को लेके आप सोच रहे हो बाइक नहीं लेना है तो वो गलत है, आप ले सकते हो। रस्टिंग के इश्यूज मैंने थोड़े एरियाज है जहाँ पर मैंने नोटिस किया है, नॉट ओनली विथ मी, CV350 RS में तो पेंट शिपिंग के भी इश्यूज है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। पेंट क्वालिटी ठीक है, बट जो रस्टिंग है थोड़े से एरियाज है, जैसे एग्जॉस्ट में जो नट्स है ना वहाँ पे थोड़े एरिया में रस्टिंग है। अब वो रस्टिंग तो होता है सारे बाइक्स में, मेजर रस्ट इश्यूज मैंने नहीं देखा है टू बी ऑनेस्ट, और बट मैंने बहुत लोगों से सुना है कि रस्टिंग है उनके बाइक में, और जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनके तो बहुत सारे रस्टिंग के इश्यूज़ है। बट एक जगह पे मैंने रस्टिंग बहुत नोटिस किया CV350 में, वो है चेन में। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं तो बहुत अच्छे से मेंटेन करता हूँ मेरे चेन, मेरे जो बाइक के चेन है मैं हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, तो मेरे में होने का तो मतलब सवाल ही नहीं उठता है। बट जो नॉर्मल कंडीशन में चलाते हैं उनके चेन में रस्टिंग इश्यूज आए हैं। अगर आपके बाइक में भी रस्टिंग इश्यूज आते रहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, और इसके सर्विस रिपोर्ट के बारे में मैं कभी और आपको बताऊंगा, कम्युनिटी में पोस्ट करूंगा सर्विस कितना कॉस्ट कितना हुआ है, एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड उसके उस इन्फॉर्मेशन के लिए। अब तो बहुत टाइम हो चुका है CV350 लॉन्च होके, इसके पहले मैंने जब CV350 के प्रोज और कॉन्स वाला वीडियो जब मैंने बनाया था तब तो वो नया था बाइक, तो मैं सोच रहा था कम से कम थोड़ा टाइम देंगे होंडा वालों को एक्सेसरीज को लॉन्च करने के लिए, बट इस टाइम में भी वैसे ही है जैसे था तब। मेरे को पता था कि ऐसे ही कुछ होने वाला है, तो तभी भी मैं बोला था कि होंडा वाले आपको उस तरह के एक्सेसरीज ऑफर नहीं करेंगे जो रॉयल एनफील्ड ऑफर करता है, और एक्सेसरीज का सपोर्ट अभी भी बेकार है। मडगार्ड तक कंपनी की तरफ से नहीं आ रहा है, वो एक थर्ड पार्टी एक्सेसरी है, तो होंडा क्या कर रहा है, स्पेशली ये जो हमारे इंडियन कंडीशंस में जिस तरह से मड स्प्लैश होता है, पानी पूरा आपके पैंट के ऊपर आता है,
कम से कम एक मडगार्ड का सपोर्ट कंपनी की तरफ से आना चाहिए। हम बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी हमने प्रोटेस्ट किया था, बोला था कि इसमें एक मडगार्ड आना चाहिए, कंपनी वालों ने कुछ ऐसा कुछ स्टेप नहीं लिया। बट एक प्रॉब्लम उसको वो आप सॉल्व कर सकते हो, अमेजोन में आपको मिल जाएगा, उसका भी लिंक पोस्ट कर दूंगा मैं, मडगार्ड का, वो आप खरीद के आप खुद लगा सकते हो बाइक पर 3M के टेप के साथ। मैंने स्क्रू लगा के फिट किया है, तो सर्विस सेंटर पर ही उन्होंने दिया था, तो वो आपको एक बार मैं वीडियो बना के दिखा दूंगा। बट एक्सेसरीज का सपोर्ट अभी भी उतना अच्छा नहीं है, होंडा को होंडा प्रोवाइड नहीं कर रहा है ऐसा सपोर्ट। टायर मेरे को उतना बढ़िया नहीं लगा, ठीक ठाक है, आपको ना वो ग्रिप लेवल नहीं मिलता है, बारिश के टाइम आप फील कर सकते हो कि जो ग्रिप लेवल्स है वो उतना अच्छा नहीं है। बट एक बात है कि ये जो टायर है ना, ये आपको लॉन्ग लाइफ रहने वाला है, मतलब इसका लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उतना सॉफ्ट कंपाउंड टायर नहीं है। आप जब कॉर्नरिंग करोगे आप फील करते हो कि जो पीछे के टायर्स है वो आपको ग्रिप लेवल्स उतना ऑफर नहीं करता है। CB350 RS का जो टायर्स है वो थोड़ा बेटर लगा मुझे, मैंने इसके बारे में पहले आपको नहीं बोला था क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था इतना बाइक को चला के। आप दोनों को बैक टू बैक चला के मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, इसके टायर्स ठीक है, आपको नॉर्मल डेली कंडीशंस के लिए आपका फ़ायदा होगा क्योंकि इसका जो वेयर एंड टायर है वो कम होगा। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया, जो फोर्क है ना, फ्रंट फोर्क, उसमें ऑयल लीकेज हुआ है लोगों के साथ, मुझे पर्सनली नहीं हुआ है, मैं बहुत रफ कंडीशन में भी इस बाइक को चला चुका हूँ, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, बट हमारे कम्युनिटी मेम्बर्स को हुआ है और मैं लोगों को जानता हूँ पर्सनली जिनके साथ ये हुआ है। और जब होंडा वालों से पूछने गए थे हम, तो उन्होंने बोला कि फोर गेटर्स लगाओ, फोर गेटर्स आपके ऑयल लीकेज को रोकेगा। तो पर्सनली मेरे साथ ये नहीं हुआ है, बट मैं पूछना चाहता हूँ कोई भी है यहाँ पे जिनके साथ ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम हुआ है, फ्रंट फोर्क लीक हुआ है, तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहता हूँ और हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो भी जानना चाहेंगे। एक चीज़ है, जब मैं क्लासिक 350 हमारे ग्रुप में जब चला रहा था, तो क्लासिक 350 और CB350 पे स्विच कर रहा था, क्लासिक 350 CB350 से छोटा है, मतलब डायमेंशंस में देख लो, हाइट देख लो, लेंथ देख लो, विड्थ देख लो, सब में CB350 बड़ा है। बट जो एक्सेसरी सपोर्ट है क्लासिक का, और जो फ्रंट का गार्ड है, और जो टैंक का डिज़ाइन है, वो सब आप एडअप करोगे ना, तो वो जब बैठते हो तो आपको क्लासिक बड़ा लगता है, CB350 छोटा लगता है। दूर से आप देखते हो तो एक्चुअली CB350 बड़ा है, इम्पोजिंग है, बट जब आप चलाते हो आपको वो बिग बाइक फील नहीं आता है जैसे क्लासिक में आता है। तो ये चीज़ मैंने पर्सनली फील किया और आप भी फील करोगे आप बैक टू बैक चलाओगे। ये मेरे प्रॉब्लम्स थे जो मैंने डिस्कस किया, और मैं 100% जानता हूँ कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पर मिस किया है। आप मुझे हेल्प करो, बताओ मैंने कौन से पॉइंट्स मिस किया है, कमेंट सेक्शन में बताओ। और आप कुछ भी जानना चाहते हो CB350 के बारे में आप मुझे बता सकते हो। CB350 RS और क्लासिक 350 का लॉन्ग टर्म वीडियो अभी आने वाला है नेक्स्ट, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं फिर से मिलूंगा आपसे, टेक केयर ऑलवेज, राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट, बाय बाय।